नमस्कार, मैं उदयश्री के केआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। डाटा एंट्री के जॉब दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले चार ठगों को साइबर क्राइम ने गुजरात के सूरत गिरफ्तार किया है। अब तक लगभग 95 लोगों के साथ लगभग 25 लाख की धोखाधड़ी कर चुके हैं। नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर संचालक से चार लोगों को भोपाल साइबर क्राइम की टीम ने सूरत से गिरफ्तार किया है। आरोपी सूरत में कॉल सेंटर चलाकर देश के अन्य राज्यों और मध्य प्रदेश के तकरीबन 95 लोगों से करीब 25 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। पुलिस ने आरोपी चंदन बाबू, चिंतन बागनी, शुभम सिंह, समाधान मधुकर को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी सूरत के निवासी है। डीसीपी क्राइम अमित कुमार ने बताया है कि जालसाजों के पास से एक दर्जन मोबाइल फोन, कंप्यूटर डेटा एंट्री के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दरअसल डाटा एंट्री के नाम पे चार आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है। उनकी सूरत से गिरफ्तारी हुई है। पूरा का पूरा एमओ कुछ इस तरीके से था कि ये जो भी आरोपी थे, ये सबसे पहले quicker.com पे जो या जॉब फ्रेशर वर्ल्ड पे जो भी डेटा, जो भी अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, वो जब अपने डेटा को रजिस्टर करते थे तो वहाँ से डेटा ले लेते थे, फ़ोन कॉल करते थे और फिर फरियादी को कुछ टास्क देते थे। फिर टास्क में गलतियाँ निकालते थे, गलतियाँ निकालने के बाद जो है उनसे पैसे लेते थे। साथ ही साथ उनकी सैलरी ये बताने पे बोलते थे कि विदेशी बैंक से आएगा, तो उनके भी प्रोसेसिंग चार्जेस लेते थे। मल्टीपल प्रोसेसिंग चार्जेस लेने के बाद उन्होंने लगभग जो है 90 से 95 लोगों के साथ 25 लाख का फ्रॉड किया है। लंबे समय से ये जो है इनकी ये जो है एमओ चल रही थी और इसके बाद जो है लगभग इनके पास से 11 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप, 7 ATM की भी जो है जब्ती की गई है। चार व्यक्तियों की जो है गिरफ्तारी हुई है। दो जो है इसमें एक BE है, कंप्यूटर साइंस, कॉल सेंटर संचालक है, BCOM है, ये भी कॉल सेंटर में काम करते थे, और दो हैं 12वीं पास, ये लोग भी कॉल सेंटर में काम करते। तो बेसिकली पूरा का पूरा कॉल सेंटर चल रहा था और इसके साथ साथ जो है ये पूरा का पूरा अपराध जो है घटित किया जा रहा था। सर, एक फरियादी से कितना पैसा लेते थे ये? ये ऑल डिपेंड करता है। ये बेसिकली ये है कि ये जो हमारे पास फरियादी आए हैं, इनके ये जब हम इनमें देखें तो इनके पास से लगभग जो है 40 से 50 हज़ार रुपये के जो है फ्रॉड का जो है लगभग बात आ रहा है। लेकिन ये कई लोगों के साथ ये जो है फ्रॉड पहले से भी करते रहे हैं और ये पूरा का पूरा कॉल सेंटर, पहले इन्होंने कॉल सेंटर में काम किया था और ये पूरे के पूरे कॉरेस्पॉन्डेंस इनके ईमेल के माध्यम से होते हैं। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जब लोग पैसे नहीं देते थे तब ये फर्जी नोटिस बनवा के वकील से इनको भिजवाते थे कि हम आपके ऊपर जो है अब कार्रवाई करवा देंगे अगर आप जो है हमें पैसे नहीं देंगे, तो क्योंकि आपने कंपनी का एग्रीमेंट ब्रेक किया है। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा इनका एमओ चलता था। पैसे के बारे में ये बता रहे हैं लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि कितना जो है पैसे कोई दे देता है। ये मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कोई गैंग के रूप में काम कर रहे थे? बिल्कुल, मूलतः सभी जो है सूरत के रहने वाले हैं, सूरत और के ही रहने वाले हैं और पूरा एक कॉल सेंटर संचालित कर रहे थे और ये लंबे समय से जो है ये कॉल सेंटर के रूप में जो है काम कर रहे थे। चंदन बाबू है, चिंतन बगानी है, शुभम सिंह है, समाधान मधुकर हैं। दो कंप्यूटर साइंस, एक कंप्यूटर साइंस और BCOM का लड़का है, दोनों 12वीं पास है। तो एक तरीके से पूरा का पूरा कॉल सेंटर फर्जी जो है ईमेल आईडी के थ्रू जो है कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे थे। बेसिकली कॉल सेंटर सबसे ज़्यादा जो है अभी दिल्ली में चल रहा है। इनके द्वारा एक ही कॉल सेंटर चलाया गया था लेकिन ये जो है ये रेप्लिका जिस तरह से दिल्ली में होता है इस तरह से इन्होंने सूरत में किया था और इस तरह से सूरत का ये पहला मामला है जिसमें सूरत में कॉल सेंटर को जो है अप्रिहेंड किया गया है। साइबर क्राइम ब्रांच भोपाल में मामला दर्ज होने के बाद साइबर क्राइम की टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर आरोपियों तक पहुंची और चार आरोपियों को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया है। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।